हेलो बच्चों, आइए स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु में। हमारी ऑफलाइन क्लासेज इलाहाबाद में चलती हैं और ऑनलाइन क्लासेज आपको रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे मिलती रहेंगी। आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th साइंस का एक चैप्टर है जो केमिस्ट्री से आता है, पहला चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का रिव्यू। आज से क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं आपकी, आपको रेगुलर बेसिस पे केमिस्ट्री की क्लास 9th की और 10th की वीडियोज मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैटर क्या होता है, क्योंकि देखो चैप्टर का नाम ही क्या, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर समझते हैं क्या होता है, वी हैव टू डिफाइन मैटर। मैटर क्या होता है, अगर मैं मैटर की बातचीत करूँ, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड हैविंग मास एंड वी कैन फील दैट बाई आवर फाइव सेंसेस। यानी कोई भी चीज जो स्थान घेरती हो, ठीक है, उसके पास अपना कुछ न कुछ मास हो, तो उसे हम कहेंगे कि क्या है, ये एक मैटर है। जैसे मैं बातचीत करूँ तो मार्कर भी क्या एक मैटर है, क्योंकि देखो इसका कुछ ना कुछ वेट मास होगा, ठीक है। अब इसको हम फील भी कर पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, एक मास है। और इसको रखेंगे तो कहने की स्पेस भी ये अकुपाई करेगा, ये बोर्ड भी आपका क्या है, मैटर है। वी आर ऑल्सो मैटर, हम लोग भी क्या एक मैटर ही है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्थान घेरे हुए हैं, स्पेस घेरे हुए हैं, और हमारे पास कुछ कंसिडरेबल मास भी है। आए समझो मैटर क्या होता है। अब देखिए मैटर के एग्जाम्पल मैंने बताया कि मार्कर, बोर्ड, एयर हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, एवरीथिंग विच हैज मास इन अकुपाई स्पेस नोन एज मैटर। क्लियर हो रहा है। अब एक चीज़ हमें और समझना है कि मैटर क्या नहीं होता है, यानी किसको हम कहेंगे कि मैटर नहीं है, आप लोग बता सकते हैं कि मैटर क्या नहीं है। चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया, फीलिंग्स हो गए, ये सब क्या है, मैटर नहीं है भाई। क्लियर हो रहा है। अब देखिए जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर मैटर का डेफिनेशन मैं लिख दूं, देखो मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा पूरा आपको नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा, यानी कि पूरा नोट्स आपको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वी कैन फील दैट बाई आवर सेंसेस इज नोन एज मैटर। एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, बताते रहो, आप लोगों ने बताया मैंने, एयर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हमारा मार्कर भी है, बोर्ड भी है, ETC, यानी सब क्या है, सब मैटर्स हैं। अब देखो कोई भी मैटर होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है। वो जो पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं, वो पार्टिकल एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। मैंने क्या बताया, जो मैटर होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है। अगर एग्जाम्पल लें हम लोग, जो ये मार्कर है हमारा, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ी सी एक चीज समझाऊं कि जैसे कोई भी नॉन लिविंग है, ठीक है, इसका बेसिक यूनिट क्या होता है, यानी किन चीज़ों से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, यानी कि इसकी बेसिक यूनिट एटम होता है। एटम क्या होता है, अगले चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल में आपको समझ में आएगा। एटम से क्या बनता है, मॉलिक्यूल, यानी ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल। और जो मॉलिक्यूल से बनता है वो क्या होता है, हमारा मैटर। यानी आप देख पा रहे हैं कि मैटर का जो बेसिक यूनिट है क्या है, एटम है। यानी कोई भी मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के ये बना होता है। क्लियर हो रहा है। अब देखो ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, ये जो अभी बताया मैंने, जो मैटर होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं इतने छोटे होते हैं कि हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन रहे हो आप, कि इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि हम हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। सोचो इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, एज्यूम भी नहीं कर सकते। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जो एक वाटर का
ड्रॉप होता है ना, वाटर का एक बूंद होता है छोटा सा ना, जो पानी का एक बूंद होता है भाई, उसमें जो पार्टिकल होते हैं 10^21 पार्टिकल्स होते हैं। एक छोटे से पानी के बूंद में कितने पार्टिकल होते हैं? 10^21 पार्टिकल्स। दिमाग चकरा रहा है ना कि कितने छोटे वो पार्टिकल्स होंगे एटम के? क्लियर हो रहा है? अब जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ये हमने देखा कि मैटर क्या होता है, और जो मैटर होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है। हम लोग थोड़ा सा जो पार्टिकल्स होते हैं उनके थोड़े कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ और ऊंचा बोलता भी हूँ। तो कमेंट थोड़ा अच्छे से करिए और बताइए क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है या फिर क्या चीज़ें समझ में आ रही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, अब जो हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो जो पार्ट अभी मैंने बताया कि जो मैटर होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है, तो हम लोग जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल होते हैं उनके कुछ गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या पढ़ेंगे भाई, बोलते रहो साथ में, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या बताया मैंने, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। देखो इस चैनल की खासियत क्या है कि हम लोग जो भी चीज़ पढ़ेंगे पूरा नोट्स के साथ पढ़ेंगे, मैं पूरा चीज़ लिखवा के पढ़ाऊंगा आपको, आपको कोई दिक्कत कहीं से नहीं आने वाली है। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि नोट्स का PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं नोट्स में पूरा बोर्ड पे आपको दूंगा। ठीक है, तो जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल के उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, बस बने रहिए और देखते रहिए, दिखाते रहिए, शेयर भी करिए। ठीक है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, अभी मैंने आपको बताया जो मैटर के पार्टिकल होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि एक वाटर के ड्रॉप में कितने पार्टिकल होते हैं भाई, 10^21, समझ रहे हो कितना बड़ा होता है ये अमाउंट। 10 को हम क्या करेंगे, 21 टाइम्स लिखेंगे, तो जो आएगा वही क्या होता है, एक वाटर के ड्रॉप में पार्टिकल्स होंगे। क्लियर हो रहा है? अब देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, यानी कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल यानी कि जो पार्टिकल होंगे बहुत छोटे छोटे होंगे। ठीक है, अभी मैंने एग्जाम्पल भी बताया आपको। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या है दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम यानी मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है। चलो एक एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, तब पता चलेगा कि वाकई में स्पेस होता है कि नहीं होता है, आप लोग देख लो। जैसे हम क्या करते हैं कि हम एक वीकर लेते हैं, कोई वेसल लेते हैं, कोई बर्तन लेते हैं, पॉट लेते हैं, उसमें क्या करते हैं कि 100 ml वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, मान लो हमने क्या ले लिया, 100 ml वाटर ले लिया। समझना इस चीज़ को, इस एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। हमने क्या किया कि वेसल लिया, उसमें क्या लिया, 100 ml वाटर लिया। कितना लिया भाई, 100 ml वाटर लिया, और हमने मार्क कर लिया कि ये 100 ml वाटर कहाँ तक आ रहा, हमने पेंसिल से क्या कर लिया, मार्क कर लिया। अब क्या करते हैं, समझिएगा बात को, हम क्या करते हैं उसमें 50 ग्राम शुगर ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं इसमें 50 ग्राम शुगर ऐड करके, अब देखो हमने क्या किया, 50 ग्राम क्या किया हमने, शुगर को ऐड कर दिया इसमें, 50 ग्राम शुगर को ऐड कर दिया, और इसको हमने क्या किया, थॉरली मिक्स कर दिया, थॉरली स्ट्रिप से क्या किया हमने, मिक्स कर दिया, यानी क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया। अब हम लोग देख क्या पा रहे हैं कि जो लेवल हमने मार्क किया था बिना शुगर के घोले हुए, वही मार्क इसमें भी है, यानी जहां तक लेवल पानी का था वही वहां तक लेवल किसका है, शुगर सॉल्यूशन का है, यानी कि कोई भी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। जो शुगर घोलने के बाद भी जो इसका वॉल्यूम है उतना ही है जितना पानी का था, यानी लेवल यही वाला है सेम,
यानी कि लेवल में कमी या बेसी नहीं हुई है, यानी कि लेवल क्या है, सेम है। यानी हम कह सकते हैं कि 50 ग्राम चीनी मिलाने के बाद भी लेवल वाटर का नहीं बढ़ा, शुगर सॉल्यूशन का लेवल नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि वाटर के बीच, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, कुछ गैप है, पार्टिकल बीच में क्या है, गैप है। उसमें क्या, जो चीनी है शुगर अपना क्या है, उसमें जाकर के मिक्स हो गया। क्लियर हुआ? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्लियर हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट से कि शुगर घोलने के बाद भी वाटर का लेवल नहीं बढ़ा, वॉल्यूम नहीं बढ़ा। ठीक है, तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तीसरा कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल का, वो क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, जो पार्टिकल होते हैं कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। चलिए इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं आपको। घर पे जाते हैं हम लोग, तो मम्मी जब पूजा करती है, अगरबत्ती जलता है सुबह सुबह 6 बजे, मेरी मम्मी तो पूजा करती हैं, अगरबत्ती जलाती हैं खूब, आपकी मम्मी भी जलाती होंगी। तो क्या होता है, जब मम्मी अगरबत्ती जलाती हैं अपने पूजा वाले रूम में, हम सोए होते हैं बगल वाले रूम में, फिर भी हमें क्या सुगंध आती है कि नहीं आती है, अगरबत्ती की सुगंध आती है कि नहीं आती, जल्दी बताओ, आती है। तब देखो समझना क्या है, अगरबत्ती मम्मी जलाई पूजा वाले रूम में, अब महक आ गया बगल वाले रूम में, कैसे हुआ? अगर पार्टिकल्स मूव नहीं करते गैस के, एयर के, तो शायद हमारे पास नहीं पहुंच पाते। इससे हमें ये प्रूफ हो रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, क्या करते हैं भाई, मूव करते हैं कॉन्स्टेंटली। क्लियर हो रहा है? अब जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको, वो क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अभी समझाता हूं, टेंशन मत लीजिए। क्या बोल रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सपोज करो, अगर मैं मार्कर की बात करूं, अभी क्या एक मैटर है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, आपको पता भी है। अब देखिए क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लगता है पार्टिकल्स के बीच में, जिससे क्या है, टाइटली बॉन्ड है। अब सोचो, देखो, समझो यार, ये क्या है, मान लो एक कोई हमारा कॉपर का स्ट्रिप है, कॉपर है तो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ये बना होगा। अब देखो इसमें क्या, ये एक दूसरे के जो पार्टिकल्स हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो ये इस फॉर्म में है। यानी कि क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, किसी ना किसी फोर्स से क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर हो रहा है? अब एक चीज और समझते हैं, यहां तक क्लियर हो रहा है? अगर कहीं से भी कोई दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फिर से उस टॉपिक पर वीडियो बनेगी, कमेंट बॉक्स में ये आंसर मिल जाएगा, आपको सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आप बिल्कुल शर्माइए मत, कमेंट करिए धकाधक। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो ये क्लास 9 का चैप्टर बहुत टफ नहीं है, मैं ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, इतना अच्छा लैंग्वेज में नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा दावा दोनों है भाई। ठीक है, अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर जान गए, उसके पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग जान लिए। अब थोड़ा जानते हैं कि जो मैटर है उसके क्लासिफिकेशन, मैटर भी भाई कई प्रकार के होते हैं, उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, अपने यार दोस्तों को भी पढ़िए और पढ़ाइए। ठीक है, चलिए अब क्या पढ़ना था हम लोगों को, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्या पढ़ना था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखो, मैटर को बेसिकली हम क्लासिफाई करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पे कर सकते हैं, दूसरा क्या तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, दो बेस पे क्लासिफाई किया है था मैटर को। लेकिन हम लोग क्लास 9th के पहले चैप्टर यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग में, मैटर को फिजिकल स्टेट पे कितने पार्ट में डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था, उसको हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि मैटर को देखा जाए, अगर हम कहें मैटर को अगर डिवाइड किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, में बात कर रहा हूँ फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से,
केमिकल कंपोजिशन का क्लासिफिकेशन जो बेसिस होगा वो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में, इज मैटर अराउंड अस प्योर में, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग फिजिकल बेस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं मैटर को, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए मैटर को बेसिकली क्लास नाइन्थ में तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या है भाई? सॉलिड्स, सेकेंड है लिक्विड्स एंड थर्ड है गैसेज। दो स्टेट और है न्यूली डिस्कवर्ड, प्लाज्मा और क्या है भाई, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन क्लास नाइन्थ के हिसाब से आप लोगों को ये तीन चीज़ें पढ़नी है, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज, ठीक है। अभी मैं डिफरेंस क्रिएट करूंगा कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, कई तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बस चैनल पे बने रहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग क्लासिफाई किए हैं मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज। अब समझते हैं इनके थोड़ा क्लासिफिकेशन को, कैसे हम कहेंगे कि कोई भी जो मैटर है वो सॉलिड है, कैसे कहेंगे कि कोई भी जो सॉलिड सॉरी जो मैटर दिया हुआ वो क्या है, लिक्विड है, गैस है, कैसे कहेंगे, क्या बेस है हमारा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत ले। चलिए देखते हैं क्या बताया मैंने, क्लासिफिकेशन। चलिए आपको मैं बताता हूँ, सॉलिड, इधर मैं लेता हूँ लिक्विड को, आप भी ले लो, ठीक है। इधर मैं लेता हूँ गैस को, ठीक है। पार्टीशन बना दो भाई, क्यों? क्योंकि तीनों में डिफरेंस हम लोग क्रिएट करेंगे, पहचाने के कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। एग्जाम्पल में मैं ले लूँ, अगर एग्जाम्पल में ले लूँ तो क्या ले लूँ भाई, सॉलिड में आइस ले लेता हूँ भाई, बर्फ, बर्फ का टुकड़ा, वो भी एक सॉलिड ही होता है भाई, है कि नहीं। लिक्विड में मैं क्या ले लूँ, वाटर ले लेता हूँ भाई, गैस के एग्जाम्पल में क्या लेने भाई, वाटर वेपर ले लो, वाटर वेपर ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने तीनों वाटर का ही फॉर्म लिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। मैंने क्या ले लिया, सॉलिड में आइस ले लिया एग्जाम्पल में, लिक्विड में वाटर ले लिया, लिक्विड वाटर है ना भाई, चलो कोई बात नहीं, हाँ आवाज़ आ रही है। गैस में वाटर वेपर ले लिया हमने, या फिर स्टीम ले लिया, बात वही है, ठीक है। अब समझते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखिए कोई भी सॉलिड है तो क्या है, अगर सॉलिड को हम डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, लिक्विड को गैस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सॉलिड के पास क्या होता है, सॉलिड हैव, अगर पहले पॉइंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, सॉलिड हैव, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। जो सॉलिड होता है उसका शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है, कैसे। अगर मान लो मैंने एग्जांपल में क्या लिया था, आइस को, चलो मैं एग्जांपल मार्कर को लेता हूँ, ठीक है। मार्कर क्या, हमारा मार्कर एक सॉलिड है, सॉलिड है भाई, दिख रहा है सॉलिड है कि नहीं है, हाँ आवाज आ रही है, सॉलिड है। देखो तो क्या बोला मैंने, सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड का जो शेप है नॉर्मल टेम्परेचर पर फिक्स रहेगा, मैं इस हाथ में रखूँ या फिर इस हाथ में रखूँ, इसका शेप क्या रहेगा, शेप एकदम फिक्स रहेगा, यानी डेफिनेट शेप रहेगा, डेफिनाइट शेप रहेगा, यानी शेप में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब अगर मैं इसको कहीं भी रखूँ, कहीं भी रखूँ तो उतना ही स्थान घेरेगा, स्पेस घेरेगा, वही तो वॉल्यूम होता है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ तो कितना स्पेस घेर रहा है, इतना स्पेस घेर रहा है। अगर ऐसे रखूँ तो इतना ही स्पेस घेरेगा, बैग में डाल दूँ तो उतना ही स्पेस घेरेगा, ठीक है। अगर इसको छत पे रख के आ जाऊँ तो उतना ही स्पेस घेरेगा, यानी कि सॉलिड का क्या होता है, सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, क्लियर हो रहा है। हम लोग लिक्विड की यानी कि वाटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, वाटर में आपको क्या लग रहा है, सॉलिड में सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, लेकिन वाटर में क्या होता है, सॉलिड हम क्या कह सकते हैं पहले पॉइंट में, लिक्विड्स हैव नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉरी नॉट फिक्स्ड शेप, नॉट फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, क्या समझ में आ रहा है भाई।
जो लिक्विड होता है, लिक्विड्स हैव नॉट फिक्स शेप, लिक्विड के पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है। अगर पानी का कोई शेप है क्या भाई? जिस बर्तन में रखेंगे उसी आकार का हो जाएगा। अगर हमने पानी को कुकर में रख दिया आलू बॉयल करने के लिए, समझो कंसेप्ट को, समझो कुकर मत समझो, हमने क्या किया पानी को अगर कुकर में रख दिया तो कुकर के साइज का हो जाएगा, कुकर के शेप का हो जाएगा, शेप का हो जाएगा, साइज का नहीं हो जाएगा। अब देखो अगर गिलास में रख दिया तो गिलास के शेप का हो जाएगा। अगर हमने पानी को किसी अदर वेसल में रख दिया उसी वेसल का आकार ले लेता है, यानी शेप क्या होता है इसका फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स का मतलब क्या बताया मैंने कि अगर आप कहीं से भी दूध लेंगे एक लीटर तो एक लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि दूध लेकर के आए अंकल के यहाँ से दूध, शर्मा जी के यहाँ से दूध लेकर के आए, घर पर आते ही आधा लीटर हो गया, वॉल्यूम ही चेंज हो गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता तो हम दूध ही नहीं लेने जाते, घाटा हो जाता ना हमारा। यानी वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम क्या रहेगा फिक्स रहेगा, लेकिन इसका शेप क्या हो जाएगा इनडेफिनिट होता है, यानी नॉट फिक्स्ड। यानी जो क्या होता है वो लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अब जो दूसरा डिफरेंस, अब चलिए गैस को भी देख लेते हैं। गैस में भाई कुछ भी नहीं होता है, नीदर फिक्स वॉल्यूम नॉर फिक्स शेप। यानी कि हम लोग कह सकते हैं गैसेज हैव नीदर फिक्स्ड शेप नॉर वॉल्यूम। यानी गैस में क्या होता है, ना ही फिक्स शेप होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। कैसे? ठीक है, गैस को अगर हम बातचीत करें, शेप की बात करें, तो उसका शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। जिस वेसल में रखेंगे उसी प्रकार का हो जाएगा। अगर हम बातचीत करें, अगर मान लो कि कोई परफ्यूम का बॉटल है, ठीक है, उसमें मान लो कि 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, परफ्यूम के मॉलिक्यूल मान लेते हैं 1000 है, तो उसको हम क्या कंप्रेस करके एक छोटे से परफ्यूम के बॉटल में रखे हुए हैं, तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो गई, एक बॉटल के बराबर हो गई, एक बॉटल के बराबर हो गई। लेकिन उसी को हम क्या करते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं, यानी कि स्प्रे करके उसको हम निकाल देते हैं, 1000 मॉलिक्यूल्स को निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पूरा उसका वॉल्यूम रूम का हो जाएगा। उसका वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, पूरे रूम के बराबर हो जाएगा। लेकिन बॉटल में है तो किसके बराबर है, बॉटल के बराबर उसका वॉल्यूम है। ठीक है, और क्या है, नीदर फिक्स शेप नॉर वॉल्यूम, शेप भी फिक्स नहीं होता और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। अब जो दूसरा डिफरेंस हम लोग क्रिएट करें सॉलिड लिक्विड और गैस में, तो क्या हो सकता है, अगर हम लोग सॉलिड में देखें तो सॉलिड्स कांट कंप्रेस्ड मच, यानी सॉलिड को हम बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। सपोज लो करो ये हमारा, सपोज क्या करना है, सॉलिड तो है, इसको हम बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, निग्लिजिबल हम कंप्रेस इसको कर ही नहीं सकते हैं, कितनी भी ताकत लगा ले तो, यानी कि कंप्रेसिबल नहीं होता है। जो सॉलिड होता है बहुत ही कम कंप्रेसिबल होता है, यानी कि सॉलिड्स कांट कंप्रेस्ड मच। ठीक है, लिक्विड भी मॉडरेट होता है, यानी लिक्विड को क्या कर सकते हैं, बहुत ही मॉडरेट में मतलब कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा उसको भी कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, यानी हम लिख लें यहाँ पे, अगर हम लिख दें तो लाइक सॉलिड्स लिक्विड्स कांट कंप्रेस्ड मच। ठीक है, और गैस को इजिली कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को हम क्या कर सकते हैं, गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चलो बोतल को हटा दो भाई, बोतल की जरूरत नहीं है, यानी गैसेज क्या बोल सकते हैं, गैसेज कैन कंप्रेस्ड इजली। अब देखिए एक चीज समझिए, मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या लिया यहां पे, ये हमारा क्या है, सॉलिड में जो होंगे पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्टिकल्स बहुत नजदीक होंगे सॉलिड में क्या होंगे, अगर अगला पॉइंट लिखे तो पार्टिकल्स क्या होंगे,
सॉलिड में बहुत नज़दीक नज़दीक होंगे, दिख रहा है आपको, बहुत ही नज़दीक नज़दीक होंगे। नज़दीक होंगे तो कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, यानी पहले से क्या नज़दीक नज़दीक हैं। और जो इनके फोर्स, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है, यानी कि लिख सकते हैं मैक्सिमम इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिख रहा है ना, यानी इनके पास क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और गैप क्या होता है, गैप इज मिनिमम, गैप इज मिनिमम, इंटरमॉलिकुलर गैप क्या होता है, मिनिमम होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसमें क्या होगा, अगर हम लोग लिक्विड की बात करें, हम लोग लिक्विड की बात करें, इसमें क्या होगा, इसमें भी पार्टिकल्स क्या होंगे, थोड़े से दूर दूर होंगे, इसकी अपेक्षा थोड़े से पार्टिकल लिक्विड में दूर दूर होंगे। तो क्या कह सकते हैं, मॉडरेट इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, क्या कह सकते हैं, मॉडरेट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमॉलिकुलर गैप, ठीक है, मॉडरेट होता है यानी कि बीच का होता है इनका, यानी कि सॉलिड से थोड़ा सा गैप इनमें ज़्यादा होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है इनसे, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, इनमें देखा जाए, गैस में देखा जाए तो इनके गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो इंटरमॉलिकुलर गैप क्या होगा, इंटरमॉलिकुलर गैप क्या होगा, इज मैक्सिमम, इंटरमॉलिकुलर गैप क्या होगा, मैक्सिमम, देख रहे हैं बहुत दूर दूर है, गैपिंग ज्यादा है। एंड इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इज मिनिमम, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर हैं, इनके बीच में प्यार थोड़ा कम है, और सॉलिड्स के बीच में क्या है, प्यार पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा है, इसलिए क्या है, बहुत ज्यादा अटैच है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इनमें क्या है, अट्रैक्शन कम है, क्लियर हो रहा है। एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, डेंसिटी की बातचीत करें तो आइस यानी कि सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी हाई होगी, डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, क्यों हाई होगी, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, नज़दीक नज़दीक है, यानी कि इनको हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी, इसमें क्या लिख सकते हैं, मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, यानी कि इससे थोड़ी सी कम होती है, यानी मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, इसमें डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज मिनिमम, डेंसिटी इज मिनिमम, डेंसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। एक और डिफरेंस हम लोग क्रिएट करें तो देखो, जगह दिख रहा है आप लोगों को, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो भी कोई बात नहीं, दिख रहा होगा। चलिए, जो सॉलिड होता है दे कांट फ्लो, यानी सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता है, सॉलिड डोंट फ्लो, लिक्विड, लिक्विड फ्लो करेगा या नहीं करेगा, लिक्विड जनरली फ्लो इजिली, यानी लिक्विड का जनरली फ्लो करता है इजिली, और गैसेज तो आराम से फ्लो करेगा भाई, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, बहुत दूर दूर है, तो इजिली क्या कर सकता है, वो फ्लो कर सकता है, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए आप लोग, यहां तक क्लियर हो रहा है सारी चीजें, इसको मिटा दें, रफ कर दें, आप लोग लिखते जाना साथ में, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ पूरा नोट्स के साथ पढ़ाता हूँ, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए क्या करना है, कॉपी पेन ले करके बैठना है, जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, क्या करना है भाई, सब बोलते रहो, आवाज़ नहीं आ रही यहाँ तक, हाँ आवाज़ आई, क्या करना है, कॉपी पेन लेके आपको बैठ जाना है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, थोड़ा सा आपके लिए एक कंसेप्ट है, आई होप को आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखो आप क्या, आपको मैं बता रहा था, फ्लूड, फ्लूड क्या होता है, फ्लूड क्या होता है, द एबिलिटी टू फ्लो, यानी कि जो भी मैटर फ्लो कर सकता है उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लूड बोलेंगे। अभी मैंने बताया कि सॉलिड फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं भाई, उनके बीच में प्यार बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्या करते हैं वो फ्लो नहीं करेंगे। बट लिक्विड और गैस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। फ्लूड में कौन आता है, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूड, लिक्विड और गैसेज क्या है भाई, ये फ्लूड है। फ्लूड में हम किसको इंक्लूड करते हैं, लिक्विड और गैसेज को, क्लियर हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरियस टेम्परेचर स्केल्स, वेरियस टेम्परेचर स्केल्स,
क्योंकि देखो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जो हमारा थर्मोमीटर होता है बेसिकली 3 यूनिट को फॉलो करके टेम्परेचर को मेजर करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ये भी मैं बताऊंगा। जो टेम्परेचर मेजर करता है थर्मोमीटर बेसिकली 3 यूनिट को फॉलो करता है। यूनिट कौन कौन से आई जानते हैं? जो सबसे पहला यूनिट है वो क्या है? हमारा केल्विन है, इसे के से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो तीसरा यूनिट है कौन सा है? जो तीसरा यूनिट है हमारा वो है डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। यानी 3 बेसिक स्केल्स का यूज करता है, टेम्परेचर स्केल का यूज करता है थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे डिग्री मत लगाना आप लोग, ये थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अब मेरे चैनल पे आया तो पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दो लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं, भौकाल है इनका, समझ रहे हो, कोई बात नहीं। देखो केल्विन जो होता है SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का क्या होता है? SI यूनिट होता है, ठीक है। अब जो डिग्री सेल्सियस है इसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, अधिकतर हम क्या करते हैं इसका यूज करते हैं जनरल लाइफ में। सबसे ज्यादा यूज हम किसका करते हैं? डिग्री सेल्सियस का हम यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ भाई बोलते हैं, आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, अब जान लो। यानी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज कितना लेते हैं सेल्सियस में? 0 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना लेते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी डिग्री सेल्सियस में जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को मेजर करते हैं। अब जो ये वाले हैं इनका यूज करते हैं क्लिनिकल यूज में करते हैं, क्लिनिकल यूज। यानी जो डॉक्टर साहब होते हैं, डॉक्टर लोग इसका यूज करते हैं। बच्चों में हम लोग को बुखार होता था तो डॉक्टर साहब के यहाँ जाते थे, क्या कहते हैं, डिग्री फॉरेनहाइट में हमें टेम्परेचर बताते थे, ठीक है। हम लोग क्या समझते थे, अरे भाई बोलते थे ना कि 104 डिग्री बुखार है, हाँ तो हम लोग कहते 104 डिग्री बुखार है, लेकिन वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होता था। 100 डिग्री पे 100 डिग्री सेल्सियस की तो वाटर बॉयल होता है, हम समझते थे यार कि 104 डिग्री बुखार हो गई, हम तो बॉयल होने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है भाई। ये क्या है, डिग्री फॉरेनहाइट में होता है ये, ठीक। अभी उसको हम क्लियर करेंगे क्या रिलेशन है, कैसे क्या चीज़ है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। जनरली हम लोग डिग्री सेल्सियस का यूज करते हैं, ठीक है। कुछ रिलेशन है दोनों के बीच में, कुछ रिलेशन है इन दोनों के बीच को हम जान लेते हैं। सबसे पहला रिलेशन हम लोग केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में जान ले तो क्या होगा, जो इनके बीच में रिलेशन है क्या है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू के। इनके बीच में क्या है, ये रिलेशन है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये डिग्री सेल्सियस में देगा और बोलेगा किसको, केल्विन में चेंज करके बताओ, क्या बोलेगा, डिग्री सेल्सियस में देगा और बोलेगा केल्विन में चेंज करके बताओ, तो कर लोगे आप लोग? हाँ भाई कर लोगे, क्यों नहीं कर लोगे हम, है ना। देखो मान लो अगर 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है सीधे क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे के, यानी कितना मिल जाएगा, 273 के मिल जाएगा। अगर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है हमें केल्विन में फाइंड आउट करना है, केल्विन में वैल्यू निकालना है, तो सिर्फ 273 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई, 283 केल्विन हो जाएगा। हमें क्या करना है, सिर्फ 273 में ऐड कर देना है डिग्री सेल्सियस को, हमारा केल्विन में निकल के आ जाएगा। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते, छोटे मोटे क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लोगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब जो दूसरा रिलेशन है हमारा डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट में, ठीक है, इसका जो रिलेशन है 9.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस 32, ये किसका रिलेशन है, फॉरेनहाइट का रिलेशन है। 9.5 × डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इक्वल टू डिग्री फॉरेनहाइट। अब देखिए क्या करना है, हम लोग अभी मैं बता रहा था ना कि जब बुखार होता था तो घर वाले बोलते थे तुम्हें पता है 104 डिग्री बुखार, 105 डिग्री बुखार है, हम लोग कहते बाबा 104 डिग्री बुखार, लेकिन डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है भाई, वो फॉरेनहाइट में होता है। आज पता चला ना आप लोगों को, नहीं कई लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चे बहुत तेज हैं, कोई बात नहीं। चलो अब देखिए, अगर यहाँ से अगर मान लो डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में चेंज करना है, मान लो कि एग्जाम में देता है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर देखें बॉडी का तो कितना होता है भाई, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, इतना होता है, क्लियर हो रहा है। अब देखो समझो एक चीज़ को, क्या मैं बता रहा था, अगर आपको दिया है कि 40 डिग्री सेल्सियस दिया हो, उसको फॉरेनहाइट में चेंज करो, फॉरेनहाइट में कैसे चेंज होगा, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है,
9/5 डिग्री सेल्सियस रख दो यहाँ पे, यानी 40+32 इक्वल टू डिग्री फॉरेनहाइट, क्या हो जाएगा 8 5 8 जा 40 9 8 जा 9 8 72 भाई, हिंदी वाले जान लो कितना हो जाएगा, ये डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा, 70 30 100 कितना हो जाएगा 104 डिग्री फॉरेनहाइट, यानी 104 डिग्री हमारा बुखार होता था, डिग्री फॉरेनहाइट होता था। और सेल्सियस में बात करें, सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा तो हम लोग क्या फीवर मारा है, तो मान लो हमें फीवर हो गया है, यानी कि 104 डिग्री फॉरेनहाइट में हुआ, ऐसे ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है, ये चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए हम लोग कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं और क्या क्या चीज़ पढ़ना है हमें। अब मैटर हमने पढ़ा था, अब उसके स्टेट को कैसे चेंज किया जा सकता है, जो मैटर का स्टेट अभी मैंने बताया सॉलिड लिक्विड गैस बेसिकली क्लास 9 के हिसाब से, तो उसको कैसे चेंज किया जा सकता है मैटर को, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टफ मैटर यानी जो अभी बताया मैंने आपको कि जो मैटर का स्टेट है बेसिकली, जो क्लासिफिकेशन अभी मैंने बताया आपको क्लास 9 के हिसाब से सॉलिड लिक्विड और गैस, यही तीन चीज़ आपको बेसिक पढ़ना है क्लास 9 में, ठीक है। तो उसके स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। साथ में बोलते रहो आप लोग, आप लोगों की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंच पा रही है, कोई बात नहीं कमेंट करके बता दो। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय टू मेथड, हम लोग जो मैटर का स्टेट दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैटर का स्टेट हम लोग दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, तरीका कौन कौन सा है, पहला जो तरीका है बाई चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। एंड जो दूसरा मेथड है क्या है, बाई चेंज इन प्रेशर, ठीक है। जो मैटर के स्टेट को हम लोग दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज करके और प्रेशर को चेंज करके, क्लियर हो रहा है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक थोड़ा सा गोल्डन वर्ड है, इसको याद कर लो आप लोग। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ, तो एक चीज़ आपको याद रखना है, हीटिंग कैन रिड्यूस द, ये आपको याद रखना है क्या, हीटिंग से क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर किसी चीज़ को हम हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, उसके जो बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है पार्टिकल्स के बीच में, क्या होगा, वो टूटेगा, गैपिंग बढ़ेगा उससे, यानी कि हीटिंग कैन रिड्यूस द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं, पार्टिकल्स जो होंगे सॉलिड के लिक्विड के या फिर गैस के क्या होंगे, दूर दूर होंगे अगर हम किसी चीज़ को हम हीट करेंगे तो। अब कैसे होगा, अब मैंने बताया बाई चेंज इन टेम्परेचर, मान लो हमारे पास क्या है, सॉलिड है, ठीक है। अगर हम सॉलिड को क्या करते हैं, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, हमारे पास क्या है, सॉलिड है, सॉलिड को क्या करते हैं हम, हीट करते हैं, सॉलिड को क्या करते हैं हम, हीट करते हैं, ठीक है। तो किस में चेंज होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। अब देखो सॉलिड है कोई भी, उसको हम हीट करते हैं तो क्या होगा, मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हीट एक एनर्जी है, क्या करता है वो, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करता है ये, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, कम करता है, और कम करेगा तो क्या होगा, ये पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, और पार्टिकल दूर दूर आएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये समझना है ये, इसलिए मैं आपको ये समझा दिया, हीटिंग कैन रिड्यूस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मेल्टिंग बोलते हैं, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, हीट करेंगे तो, यानी उसे मेल्टिंग बोलेंगे, ठीक है। अब लिक्विड को भी अगर हम हीट करते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, गैस में कन्वर्ट हुए हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं, क्लियर हो रहा है। यानी कि सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा, उसे हम मेल्टिंग बोलेंगे, और लिक्विड को हम हीट करते हैं
तो किस में देखो, हीट करने का मतलब क्या है, उसके जो बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या होगा, कम होगा, यानी पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो क्या लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा हीट करेंगे तो, यानी इसे क्या लिक्विड से गैस में चेंज करें हीट करके तो कौन सा प्रोसेस, तो बॉइलिंग हुआ, उसे बॉइलिंग बोलते हैं। अब देखो हम फिर उल्टा प्रोसेस करें, यानी कि अगर हीट को हम वापस लेना स्टार्ट कर दें, हीट को क्या करें वापस लेंगे, अगर देखो हीट हम दे रहे थे तो पार्टिकल दूर दूर जा रहे थे, अगर हीट को हम लेंगे तो क्या होगा, अगर हीट हम वापस ले लेंगे तो पार्टिकल फिर क्या होंगे, नज़दीक नज़दीक जाएंगे, ये कंसेप्ट समझना था, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम गैस को क्या करते हैं, कूल करते हैं, क्या करते हैं भाई, गैस को कूल करते हैं तो क्या होगा, देखो जैसे गैस को हमने क्या किया, कूल किया तो किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, गैस को कूल करेंगे तो किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कंडेंसेशन, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, साथ में बोलते रहो आप लोग, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। अब देखो और लिक्विड को हम फिर कूल करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा भाई, लिक्विड को फिर से कूल करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लिक्विड को हम कूल करेंगे फिर से, यानी कि हीट वापस ले रहे हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, या फिर हम उसे फ्रीजिंग भी कहते हैं, पानी का बर्फ बन जाता है, वही क्या होता है सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग होता है। आप ये चीज़ देख पा रहे हैं, ये चीज़ समझना आप लोग थोड़ा सा, सॉलिड को हीट किया हमने, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, और लिक्विड को हीट किया हमने तो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब फिर से हम क्या किए, जब गैस को ठंडा करेंगे यानी उसे प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं तो लिक्विड में चेंज होगा, अब लिक्विड को फिर कूल करेंगे तो सॉलिड में चेंज होगा, उसे हम फ्रीजिंग बोलेंगे या फिर सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। अब दो तीन टर्म और है इससे रिलेटेड, जान लो आप लोग, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में जिस पॉइंट जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब एक चीज़ समझना आपको कि हर लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा हर लिक्विड का, ये मैं वाटर के लिए बता रहा हूँ या फिर गिवन लिक्विड के लिए जो चीज़ें बता रहा हूँ, यानी कि हर लिक्विड का अलग अलग क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्लियर हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ हम लोग कर लिए, अब क्या कर सकते हैं बताइए, चलिए अब बाई प्रेशर वाले देख लेते हैं, बाई चेंज इन प्रेशर, ये दो तरीके थे हमारे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के, पहला टेम्परेचर समझ में आया आपको, टेम्परेचर से क्या होगा पार्टिकल्स दूर दूर आएंगे, ठीक है। अब देखिए अब जो दूसरा मेथड चेंज इन प्रेशर, अभी मैंने बताया कि गैस से लिक्विड में बदलने का एक प्रोसेस है कौन सा है, कूल करके हम लोग कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर को कम करके हम क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस और है प्रेशर से भी हम क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई क्या है, कोई सिलेंडर है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें गैस भरा हुआ है, इसमें एक पिस्टन है, इसमें क्या है पिस्टन है, हम क्या करेंगे जब इसको कंप्रेस करेंगे और कूल करेंगे, कंप्रेस और कूल करेंगे यानी कि पिस्टन को दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में यानी पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बहुत नज़दीक हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पिस्टन को हम क्या कर रहे हैं, गैस को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं और कूल कर रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ये गैस में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारे यहाँ सिलेंडर हम लोग इसका एग्जांपल की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, सीएनजी एंड एलपीजी, जो हम लोग घर में यूज करते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विड फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसको प्रेशराइज करके रखते हैं, घर में जो हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं उसमें लिक्विड फॉर्म में गैस होता है, यानी बहुत प्रेशराइज करके रखते हैं, जैसे हम डिफ्यूज होता है उसको निकालते हैं, गैस फॉर्म में क्या करता है, निकल जाता है वो, यानी कि गैस से लिक्विड में चेंज करने के एक और तरीका है, कौन सा तरीका है, चेंज बाई प्रेशर, प्रेशर चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो गाड़ियों में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एज ए फ्यूल यूज करते हैं दोनों को, ठीक है। और अब जो एक मेन टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है लेटेंट हीट।
अब हम लोग पढ़ेंगे सब्लिमेशन। आइए देखते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया, अभी तुरंत अभी मैंने आपको बताया कि हम सॉलिड को, अभी मैंने बताया कि सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं, सॉलिड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। और इसको हीट करते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं, तो किस में चेंज हो जाता है भाई, गैस में चेंज हो जाता है। क्या बताया मैंने कि सॉलिड को चेंज हीट किया हमने, लिक्विड में चेंज हुआ, और लिक्विड को हीट किया, गैस में चेंज हुआ। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है, हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड को हीट करते हैं तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, और गैस को कूल करते हैं तो डायरेक्टली क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। वही क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। कुछ सब्लिमेटरी क्या होते हैं, मैटर होते हैं, कुछ सॉलिड्स होते हैं, जैसे कैम्फर हो गया, कपूर हो गया। घर में पूजा पाठ तो होता होगा, देखते होंगे आप, जब कपूर जलता है, कैम्फर जलता है, तो डायरेक्टली क्या होता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। वो क्या है, हमारे सब्लिमेटरी सॉलिड है। सॉरी। और नेफ्थलीन बॉल, ठीक है, नेफ्थलीन बॉल भी क्या है, सब्लिमेटरी सॉलिड है। जिसको हीट करने में डायरेक्टली क्या होगा, वो गैस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। और कूल करेंगे तो गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होगा। यानी सब्लिमेशन लिखा हुआ है, देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, ठीक है, ऑन हीटिंग, एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड्स ऑन कूलिंग, इज नोन एज सब्लिमेशन। यानी कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं जिनको हीट करने पर डायरेक्टली क्या होते हैं, गैस में कन्वर्ट होता है, और कूल करने पर डायरेक्टली क्या होते हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हम बात करें, अगर लिखें हम, तो क्या लिख सकते हैं, अगर सब्लिमेशन में क्या होता है, और इसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो डायरेक्टली प्रोसेस क्या है, हीट करने के बाद सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लेकिन क्या होगा, डायरेक्टली ये गैस में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा। इसको हम वेपर भी कह सकते हैं, गैस में कन्वर्ट होगा। अगर हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, यानी कि हीट वापस लेते हैं, कूल करते हैं, तो किस में चेंज हो जाएगा, डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है, हीट करने पे डायरेक्टली सॉलिड से गैस, और कूल करने पे गैस से डायरेक्टली सॉलिड में। यही क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। इसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। अब एक चीज़ हमें और पढ़ना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास नाइन्थ के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं उस टॉपिक पे। तो आज मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। क्या समझाने वाला हूँ भाई, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। मिटा दूँ इसको, लेटेंट हीट क्या होता है, आप समझिए, बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूँगा आपको लेटेंट हीट को लेकर के। कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि भाई लेटेंट हीट होता क्या है। लेकिन आज के बाद कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, बिकॉज आप यूनिक पे हैं, तो आपको यूनिक ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या बताया मैंने, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। देखो मैं इसका हिंदी नाम भी बताता हूँ, इसका नाम हिंदी में बोलते हैं इसे गुप्त ऊष्मा। नाम हिंदी में क्यों बताया, क्योंकि कुछ चीज़ें उससे समझ में आ, गुप्त मतलब छिपा हुआ, यानी कि लेटेंट वर्ड का मीनिंग होता है, लेटेंट मीन्स हिडन। हाईलाइट कर दिया मैंने, लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, यानी कुछ ना कुछ छुपा कर रखा है। क्या छुपा कर रखा है, ये देखते हैं। देखिए लेटेंट हीट का कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, फिर आप लोग को मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। सपोज दैट हमने क्या लिया, हमने वाटर लिया, एक वेसल में हमने क्या किया, वाटर लिया। क्या लिया भाई, सबसे सस्ता और टिकाऊ, हर जगह उपलब्ध क्या है, हमारा पानी है। हमने क्या लिया, वाटर लिया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं, किसी फ्यूल के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। सबसे पहले हीट करने से पहले वाटर का टेम्परेचर हम मेजर कर लें। हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर से वाटर का टेम्परेचर इनिशियली कितना है, मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, हमने मेजर कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, फिर मेजर किया हमने, देखा अरे तो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर मेजर किया कुछ देर बाद, देखा 90 डिग्री सेल्सियस हो गया, हम बहुत खुश की टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब एक टाइम पर मेजर किए हम, तो हमारा जो टेम्परेचर हुआ 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, यानी थर्मोमीटर से हमने मेजर किया, तो इसका टेम्परेचर कितना हुआ, हम पानी को नीचे से हीट देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। अब टेम्परेचर मेजर किए लास्ट में, तो कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अब कुछ देर बाद
हम जब टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो टेम्परेचर हीट तो जा रहा है, कंटिन्यूअस हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, वाटर को दिया जा रहा है, बट क्या हो रहा है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है भाई, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया। हम कितना भी हीट दे रहे हैं टेम्परेचर 100 से ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, 100 पे ही अटक गया है, रुक गया है। कितना भी टेम्परेचर दे रहे हैं, सॉरी कितना भी हीट दे रहे हैं टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। अब सोचो जो टेम्परेचर दे रहे हैं हम लोग, जो हीट दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। आपको पता है कि वाटर को हम हीट करेंगे किस में कन्वर्ट होगा, ये गैस में कन्वर्ट होगा। अब देखो जो पार्टिकल्स होंगे, अब जो हीट जो क्या काम कर रहा है, देखो जो हीट तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है तो कुछ और काम कर रहा होगा। क्या काम कर रहा है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो जो ये हीट होता है इसका काम क्या होता है कि जो वाटर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करता है, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको क्या करता है, कम करता है। यानी हीट टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं आ रहा है, ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या कर रहा है, उनके जो फोर्सेज हैं उनके बीच में उनको दूर करने का काम कर रहा है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स को ये दूर कर रहा है, जिससे ये क्या हो रहे हैं, गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी कि हीट जो जा रहा है टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं आ रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में यानी कि ब्रेक करने में काम आ रहा है। वही जो हीट है वही क्या हमारा लेटेंट हीट है, यानी छुपी हुई ऊष्मा है। टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है, सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, दूर कर रहा है, जिससे क्या हो गैस में इजिली कन्वर्ट हो जाए। यही हमारा क्या है, लेटेंट हीट है। क्लियर हुआ, जो लेटेंट हीट है आपका, जो लेटेंट हीट है आपको भी दो प्रकार का है, टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी ये भी कितने प्रकार का है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये भी दो प्रकार का है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड दूसरा क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर हो रहा है, लेटेंट हीट भी दो प्रकार का है, पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है। इसमें क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में क्या होता है, कन्वर्जन होता है। इसमें क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है। देखो नाम से क्लियर हो रहा है वेपराइजेशन और नाम से क्लियर हो रहा है फ्यूजन। ठीक है, अब देखिए समझिए एक चीज़ को, जो भी मैंने एग्जांपल बताया आपको, ठीक है, वो किसका एग्जांपल है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि जो हीट है वो किस किस काम में आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स के जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहा है, तोड़ रहा है, जिससे क्या हो गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें, सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्जन होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट लगता है वही क्या हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होने के लिए जो हीट लगता है वही क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का एक एग्जांपल दे दे आपको। मान लो हमारे पास क्या है, एक आइस का टुकड़ा है। क्या है भाई, बोलते रहो आवाज नहीं आ रही है, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। ठीक है, अब देखो आइस कैसे बोलना है भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और क्या। चलिए कोई बात नहीं, आइस हम एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, आइस का ले रहे हैं। अगर हम इसमें सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन होता है, अगर हम आइस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट देते हैं, अगर आइस को हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देते हैं, तो क्या होगा, गर्म होगा या नहीं होगा, ये क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं, आइस के पार्टिकल्स हैं, देखो क्या टाइटली बॉन्डेड हैं, तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, जो लेटेंट हीट होगा क्या करेगा, इसको जो पार्टिकल्स हैं पास है, तो क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा। यानी जो हीट हम देंगे कहाँ कहाँ आएगा, ये काम टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं करेगा, ये टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं करेगा, ये क्या करेगा, जो पार्टिकल्स हैं आइस के उसको ब्रेक करेगा, जिससे लिक्विड में इजिली कन्वर्ट। हम लोग पढ़ते हैं क्या पढ़ना है, अभी तक हम लोग लेटेंट हीट के बारे में पढ़ लेते हैं, अब पढ़ना है इवेपोरेशन। क्या पढ़ना है भाई, इवेपोरेशन। तो आप कंसेप्ट को समझिए, इवेपोरेशन होता क्या है, जैसे हम देखते हैं कि किसी भी लिक्विड को एयर में एक्सपोज करते हैं, यानी सिंपली किसी पानी को या फिर किसी भी लिक्विड को बाहर ऐसे रख देते हैं, तो क्या उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, यानी कि उसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है। ठीक है, यानी वही कंसेप्ट क्या है, इवेपोरेशन है। चलिए आपको मैं बहुत अच्छे से कंसेप्ट बताता हूँ इवेपोरेशन का, कि इवेपोरेशन होता क्या है। इसके टक्कर में एक चीज और मैं लिखता हूँ आमने सामने, बॉइलिंग आप लोगों को मैंने बताया क्या होता है, लेकिन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि कंपेरिजन करके हम इवेपोरेशन और बॉइलिंग को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में क्या होता है, इवेपोरेशन बॉइलिंग लगभग सेम ही है,
लोग ऐसा मानते हैं, क्या डिफरेंस है उसको हम लोग जानने वाले हैं। दोनों में क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है। इवेपोरेशन में भी क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है। बॉइलिंग में भी क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है। डिफरेंस क्या, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो इवेपोरेशन होता है किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन जो बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग में जो लिक्विड से गैस में चेंज होगा वो बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा, बट इवेपोरेशन में किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। हम लिख सकते हैं जो कन्वर्जन होता है, इवेपोरेशन में हम लिखें डिफरेंशिएट करें तो क्या लिख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर। क्या समझ में आ रहा है बालकों, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है, यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। बट इन केस ऑफ बॉइलिंग वी कैन से दैट, इसमें भी क्या होता है, कन्वर्जन ही होता है लिक्विड से गैस में, लेकिन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। तो लिख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग में क्या होता है, जो लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। और इसमें भी क्या होता है, लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन होता है, बट क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे होता है। यही मेन डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए क्या समझना हमें, अभी आपको थोड़ा सा एक चीज समझाता हूँ, समझिएगा कंसेप्ट है ये। हम क्या करते हैं कि किस वाटर को हम क्या करते हैं, किसी वेसल में रखते हैं और उसको क्या करते हैं, नीचे से हीट प्रोवाइड कराते हैं, यानी इसको वाटर क्या करते हैं, हीट करते हैं। हमने क्या किया, वाटर को यहाँ से हीट किया, तो क्या होगा, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पहुंचेगा तो क्या होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, हीट देते देते क्या होगा, अभी मैंने लेटेंट हीट के बारे में बताया था कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कम होते जाएगा, और क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं गैस में कन्वर्ट, यानी कोई भी वाटर मॉलिक्यूल एनर्जी लेकर के गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन, अगर हम पानी लेते हैं, पानी देखो भाई सस्ता है, हर जगह मिलता भी है, इसलिए ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम हीट नहीं करते तो भी इवेपोरेशन होगा। कैसे होगा भाई, देखिए अब जो होगा, मान लेते हैं इसमें क्या होता है, जब ये मानता है कि जो बॉइलिंग में होता है कि कोई भी वाटर मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो सकता है, बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेकर के नाइबोरिंग पार्टिकल से एनर्जी लेकर के गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। सिर्फ सरफेस के पार्टिकल क्या करते हैं, गैस में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए हम इसे कहेंगे इवेपोरेशन इज, यानी इट इज अ सरफेस फिनोमिनन। क्या है भाई, सरफेस फिनोमिनन। इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। अब देखो बॉइलिंग में क्या हो रहा है, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन। क्या होता है भाई, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन। बॉइलिंग क्या है भाई, बल्क फिनोमिनन है। आप समझ पा रहे हैं, अगर हम हीट नहीं करेंगे तो भी इवेपोरेशन होगा। अब बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ही लिक्विड में गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ये चीज़ और हम लोग समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, और बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में रट के जाते हैं और लिख के आते हैं और अच्छे नंबर पास के आपको सुलझाते हैं। लेकिन मैं आपको इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, रटने की ज़रूरत, याद तो करना है भाई, रटना नहीं है। अगर आप यूनिक पे हैं तो यूनिक कंटेंट मिलेगा, यूनिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, यानी इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग होती है, ठंडक महसूस होती है। इवेपोरेशन होता है तो कूलिंग, इसका रीजन क्या है, जब इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन का मतलब क्या होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन। ठीक है, जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा भाई, तो आप बताइए क्या करेगा, उसको हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए कन्वर्ट होने के लिए, यानी क्या करेगा, हीट लेगा हमारे बॉडी से, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से, उस ऑब्जेक्ट को क्या होगा, कूल फीलिंग होगा, यानी कि इवेपोरेशन क्या करता है, कूल फील कराता है, यानी कि ठंडक देता है, यानी इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से क्या होती है, कूलिंग होती है, ठंडक महसूस होती है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। सपोज दैट हमने क्या किया, यहाँ पे वाटर लिया, क्या लिया हमने यहाँ पे वाटर लिया, वाटर का एक ड्रॉप लिया, और हमने क्या किया, पंखे को चला दिया, जिससे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन स्टार्ट हो गया।
इवेपोरेशन का मतलब अभी मैंने बताया आपको कि लिक्विड से गैस में कन्वर्जन, और कन्वर्जन कब होगा, जब उसको हीट एनर्जी मिलेगी, तभी जब इवेपोरेशन होगा इसमें तो क्या करेगा ये, क्या करेगा, हीट को हमारे बॉडी से लेगा, हीट को बॉडी से लेगा और इवेपोरेट होगा। अब सोचो हीट को लेगा तो पार्ट क्या होगा, यहाँ पे ठंडाई तो महसूस होगा ना, ठीक है, यानी इवेपोरेशन काजेज कूलिंग। अब एक चीज़ और समझते हैं, जो आपके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में भी सब क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन क्या है आप लोग, चलिए इवेपोरेशन बॉइलिंग अच्छे समझ में आया, इवेपोरेशन काजेज कूलिंग भी समझ में आया। अब देखते हैं जो इवेपोरेशन होता है किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग, जो मेन टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है भाई, देखते रहिए और कमेंट भी करते रहिए, कमेंट नहीं करेंगे फिर मजा नहीं आएगा। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन को कौन कौन से चीज इफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि किस चीज पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें, तो जो इवेपोरेशन होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, सबसे पहले डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे, किस पे डिपेंड करता है भाई, बोलते रहो, टेम्परेचर पे। अब देखिए आपको मैं बता दूं, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा, क्लियर हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज करेगा, यानी वी कैन से दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, क्लियर हो रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। अब जो दूसरा जो फैक्टर है जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है भाई, वो क्या है, वो हमारा सरफेस एरिया, क्या है, सरफेस एरिया, इस पे हमारा क्या कहता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। देखिए इसमें भी क्या होगा, जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज करेगा। चलिए एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। चलिए मम्मी क्या करते हैं, मम्मी कपड़ा धुलती है, कहते हैं बेटा लाओ जाओ छत पे डाल के आ जाओ, सुखा के आ जाओ, हमें कोई अनुभव नहीं कपड़ा सुखाने का, क्या करेंगे, जाके फेंक के चले आएंगे अर्गनी पे। अब सोचो कपड़ा सूखेगा नहीं, सूखेगा भाई, बहुत टाइम लग जाएगा, फिर मम्मी का डांट भी खाना पड़ेगा। देखो समझाने का मतलब है, हम कपड़े को फैला के सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाएगा, अगर ऐसे ही फेंक के चले जाएंगे तो टाइम लगेगा। यानी कह सकते हैं कि इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन ये सरफेस फिनोमिनन, यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा, यानी कपड़े को फैला के डालेंगे जल्दी सूखेगा, ऐसे ही फेंक देंगे जल्दी नहीं सूखेगा, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया घटेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी घटेगा, ठीक है। जो तीसरा फैक्टर जो डिपेंड करता है इवेपोरेशन, वो कौन सा है, वो है विंड स्पीड, क्या है भाई, बोलते रहो साथ में, तीसरा क्या है, विंड स्पीड। अब देखो इसमें भी सेम वही फंडा आने वाला है, अभी एग्जांपल समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो विंड स्पीड में क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर विंड की स्पीड, हवा की गति बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर विंड की स्पीड कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगा, यानी कह सकते हैं विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, ठीक है। इसका भी एग्जांपल लेते हैं, सोचो जिस मौसम में हवा तेज चलेगी भाई, ठीक है, तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, हवा नहीं चलेगी तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा, यानी कि इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है। अब जो चौथा फैक्टर है थोड़ा सा मायूस करने वाला है, अभी तक तो पूरा इंक्रीज हो रहा था, मजे आ रहे थे, लेकिन अब जो चौथा फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को, ये समझते हैं। देखिए ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी एयर में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है, वही क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है, हिंदी में नमी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट करता है, अब सोचो आप एक चीज समझो, अगर एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर है, यानी ह्यूमिडिटी है, इवेपोरेशन वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या वो और ज्यादा इवेपोरेट करेगा, लेगा और इवेपोरेशन नहीं होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा क्या करेगा, ऑब्जर्व नहीं करेगा, इसलिए क्या होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज देन रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज, यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और इसलिए बोल देखते हैं ना हम लोग कि ठंडी के मौसम में क्या होता है, कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, और गर्मी के मौसम में क्या होता है, जल्दी सूख जाता है, यही तो कंसेप्ट है ना। चलिए
एक चीज और मैं आपको समझाता हूँ जो बहुत ही जरूरी है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और हर बार लगभग पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन कौन सा है, आप लोग देखे होंगे, अगर गांव में रहे होंगे, गांव से जुड़े होंगे, देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे गांव का फ्रिज क्या होता है, हमारे गांव का जो रेफ्रिजरेटर होता है मटका होता है भाई, अर्थन पॉट होता है। हमारे गांव का फ्रिज क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, अर्थन पॉट होता है, और उसमें बहुत ठंडा पानी मिलता है, ठीक है। अब तो खैर हर जगह रेफ्रिजरेटर का लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी भी बहुत सारी जगह पे क्या होता है, मटके का यूज किया जाता है। और मटके में पानी ठंडा कैसे मिलता है ये बताते हैं। अच्छा, पानी ठंडा क्यों मिलता है मटके में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन का पूछा जाएगा, ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज यूजुअली केप्ट इन द अर्थन पॉट, यानी मटका, टू कीप इट कूल, क्यों भाई। देखो उसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट पूरा डिपेंड है इवेपोरेशन पे। अब जो मटका होता है हमारा, जो अर्थन पॉट होता है जिसमें हम लोग पानी ठंडा करते हैं, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, जिससे पानी क्या करता है, सिप करता है, यानी पानी बाहर बूंद बूंद थोड़ा थोड़ा निकलता है, पता नहीं चलता है। और जो बाहर पानी निकलता है क्या होता है, इवेपोरेट होता है। अभी मैंने आपको बताया इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है भाई, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन। अब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, एनर्जी लेगा, हीट एनर्जी, लेटेंट हीट लेगा। अब सोचो मटके से क्या होगा, वाटर से क्या करेगा, हीट निकालेगा, तो पानी ठंडा ही तो होगा भाई, और क्या होगा, ठंडा ही होगा ना, पानी ठंडा होगा। समझ में आ रहा है, ये पूरा कंसेप्ट क्या, इवेपोरेशन का है। अब एक चीज और समझ में आती है, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, क्या आता है, एनसीईआरटी में कंसेप्ट दिया हुआ है कि हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, बड़ा अच्छा महसूस होता है, कूल और एकदम कंफर्टेबल लगता है, ठीक है, मजा आता है नहीं पहन के। अगर मजा आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नहीं आता है तो भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठंडा क्यों महसूस होता है हमें, कंफर्टेबल क्यों महसूस होता है कॉटन के कपड़े पहन के, चलिए देखते हैं। इसका भी कंसेप्ट है, देखो हर चीज़ का कॉन्सेप्ट है, बच्चे रट के चले जाते हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन आप यूनिक में हैं तो यूनिक कंटेंट मिलेगा और ज़बरदस्त कंटेंट मिलेगा, रटने की ज़रूरत तो नहीं आएगी, ये मेरा गारंटी, वादा दावा और सब कुछ है, जो भी आप समझते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जो गर्मी के दिनों में स्वीट यानी पसीना बहुत ज़्यादा हमें निकलता है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, जो कॉटन का कपड़ा होता है क्या करता है, पसीना को अब्जॉर्ब कर लेता है, कॉटन का ये क्वालिटी होता है, क्या करता है, वाटर को यानी पसीना क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा। अब जब पसीना को ऑब्जॉर्ब करेगा तो अब इवेपोरेशन भी होगा, होगा कि नहीं होगा, इवेपोरेशन होगा, और आपको मैंने अभी बताया इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब पसीना जो कॉटन ऑब्जॉर्ब कर लेगा उसका क्या होगा, उसका इवेपोरेशन होगा, यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होगा, उसके लिए हीट लेगा। अब शरीर से हीट लेगा तो क्या बचेगा, ठंडा ही तो महसूस होगा ना भाई, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो आपको क्या करना है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। अगर नहीं आता है तो नो करिए, आता है तो आंसर बताइए, फिर मैं उसका सोल्यूशन दूंगा, नहीं आता है तो। आप लोग देखते होंगे कि जब हम रेफ्रिजरेटर से यानी फ्रीजर से जब पानी निकालते हैं और पूरा एकदम चिल्ड वाटर निकालते हैं, ठंडा पानी बर्फ जमा करके, उसमें क्या होता है, बाहर जो, चलो बॉटल बना ही देता हूँ भाई, आता तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, देख लो कितनी अच्छी बॉटल बनी है, ठीक है। जब फ्रीजर से बॉटल निकालते हैं क्या होता है, बाहर उसके वाटर के ड्रॉप्स जमा हो जाते हैं, और हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार बोतल में छेद तो है नहीं, फिर भी पानी कहाँ से निकल के आ रहा है, ये पानी आप बताओ बाहर का पानी है या फिर अंदर का पानी है, आप लोग ये क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आंसर दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच यूनिक ऑनलाइन गुरु।